हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज से सेकेंड ईयर स्टार्ट करूंगी, तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे दूं कि बीएमएस सेकेंड ईयर में हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पेपर होते हैं, वो कितने मार्क्स के होते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा एंड ऑल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर, जो सेकेंड ईयर होता है वो मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में बीएमएस सेकेंड ईयर थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। कैसे होगा हम लोग आगे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ईयर में हमें चार सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला द्रव्य गुण विज्ञान, दूसरा रसशास्त्र, तीसरा रोग निदान और चौथा संहिता चरक। तो पहला है द्रव्य गुण विज्ञान। तो अगर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू, ईच 100 मार्क्स के होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि थ्योरी पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और प्रैक्टिकल और वाइवा 200 मार्क्स के होते हैं। सो ओवरऑल द्रव्य गुण विज्ञान में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 400 मार्क्स के होते हैं। अब देखेंगे द्रव्य गुण विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो बेसिकली हमें इसमें द्रव्य के बारे में पढ़ना होता है। अगर हम लोग द्रव्य गुण का मीनिंग देखें तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ या फिर कोई भी सब्सटेंस, एंड गुण का मतलब होता है क्वालिटीज। ठीक है, तो हमें इसमें सब्सटेंस के एट्रीब्यूट्स या फिर आप बोल सकते हो क्वालिटी के बारे में पढ़ना होता है। उस ड्रग पर्टिकुलर ड्रग का प्रॉपर्टी क्या है, उसका एक्शन क्या है, हम लोगों को द्रव्य गुण विज्ञान में ये पढ़ना होता है। अगर आप इसको मॉडर्न से कंपेयर करोगे तो आप बोल सकते हो कि मॉडर्न के कंपेयर में इट इज अ काउंटर पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। ओके, अब इसमें हमें रस पंचक पढ़ना है, दैट इज द्रव्य के क्वालिटीज होते हैं। तो इसमें बेसिकली 5 क्वालिटी होते हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। तो इसके हम लोगों को डिटेल स्टडी करनी है इन पांचों का, और इसमें फिर कर्म भी आता है। अब आता है आयुर्वेदिक ड्रग के बारे में। सो अगर आप ड्रग के बारे में देखोगे तो मोर देन 400 इसमें होता है पढ़ने को, लेकिन एग्जाम के लिए बेसिकली 120 इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप इसमें बोलोगे कि इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच कहाँ पर है, तो आप जैसे कि जितने भी ड्रग्स होते हैं 120 ड्रग्स जो आपको पढ़ने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि मतलब इतने सारे उसमें प्रॉपर्टीज होती, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मॉर्फोलॉजी, उसके रूट कैसे होते, उसके स्टेम कैसे होते, उसके सीड्स कैसे होते, फ्रूट्स कैसे होते, ये सब पढ़ना होता है। उसके अलावा रस पंचक, तो आप एक काम कर सकते हो, आप हर्बल गार्डन में जा सकते हो एंड वहां पे आप द्रव्य को पहचान सकते हो, वो पर्टिकुलर जो प्लांट होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी देख के याद कर सकते हो। सो आपके लिए वो इजी रहेगा। तो एक तरह से ये प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है अगर आपको लंबे समय तक याद करना है, तो इट इज अ गुड अप्रोच। फिर आता है मॉडर्न फार्माकोलॉजी, द्रव्य गुण में मॉडर्न भी आता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्रग के बारे में, वो बायोलॉजिकल सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है और कैसे बॉडी है जो उस ड्रग के टूवर्ड रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, इसमें हम लोग ड्रग के एक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि वो ड्रग उस ऑर्गेनिज्म पे कैसे अफेक्ट शो कर रहा है। इसमें हम लोग बहुत सारे ड्रग पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने कुछ दो ड्रग के नाम लिखे, जैसे फर्स्ट है एंटीपायरेटिक ड्रग जो टेम्परेचर को कम करता है, सेडेटिव्स और ETC, और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। अब दूसरा आता है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। तो अगर हम लोग इसमें भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें भी दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू, ईच पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। सो थ्योरी पेपर 200 मार्क्स के और प्रैक्टिकल 200 मार्क्स के, तो आप बोल सकते हो ओवरऑल ये 400 मार्क्स के होते हैं। तो पहला हम लोग आते हैं रसशास्त्र पे। तो रसशास्त्र बेसिकली पेपर वन में आता है, वो एक तरह से आप बोल सकते हो लिटरेचर। रस का मतलब होता है इंडिकेटिव ऑफ मरकरी, दैट इज मरकरी को हम लोग पराग बोलते हैं। ठीक है, तो जो रसशास्त्र है उसमें मतलब वो एक ऐसा ब्रांच है कि जिसमें हम लोग मेटल्स, मिनरल्स, जेमस्टोन और भी अलग अदर सब्सटेंस इंक्लूडिंग मरकरी को हम लोग देखेंगे कि उसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं और उसके प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे। किसमें? ये रसशास्त्र में, वो एक तरह से आप बोल सकते हो लिटरेचर टाइप्स। इसमें हम लोग यंत्र के बारे में भी स्टडी करते हैं और भी बहुत कुछ हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। अब आता है भेषज कल्पना, ये बेसिकली पेपर टू का पार्ट है। तो हम लोग पहले देखेंगे भेषज कल्पना का मीनिंग। तो भेषज का मतलब होता है रिलेटेड टू भेषज, मतलब रिलेटेड टू मेडिसिन, और कल्पना का मतलब फॉर्मुलेशन या फिर आप कोई भी मेडिसिन में डिजाइनिंग करते हो। सो इसमें बेसिकली आप देखते हो कि कोई भी मेडिसिन बनाना, जैसे कोई भी कल्प बनाना, जैसे कि स्वरस, कल्क, क्वाथ, हीमोफांट, उपकल्पना और भी बहुत सारे हम लोग देखेंगे भेषज कल्पना में। तो अब आप इसमें बोलोगे कि इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच कहाँ है, तो जैसा कि आप देख सकते हो यंत्र, तो यंत्र में बहुत सारे यंत्र होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली वो यंत्र को देखोगे
एज कम्पेयर टू थियोरेटिकली। तो आप जानते हो कि प्रैक्टिकली देखने से हमें वो जल्दी याद होता है, तो एक तरह से ये प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। और फिर आपको जब आपके कॉलेज लैब में जब आपको मेडिसिन बनाने दिया जाए, कोई भी कल्क जैसे कि स्वरस हो गया, कल्प क्वाथ हो गया, तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो एंड प्रैक्टिकली ट्राई करो लर्न करने को, ताकि आपको घर पे आके उतना मेहनत नहीं करना पड़े, वहीं पे लैब में ही आप अच्छे से उस कल्प को कैसे बनाया जाता है आप वहां पे सीख सको। सो एक ये भी एक तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। अब थर्ड में हमारा आता है रोग निदान। तो अगर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें भी दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। ईच पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और इसमें प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का होता है। सो ओवरऑल ये 300 मार्क्स का होता है। रोग निदान में ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें सबसे पहले पेशेंट और फिजिशियन का आपस में इंटरेक्शन होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे रोग निदान का रिस्पेक्टिव मीनिंग क्या होता है उसके वर्ड्स का। तो रोग का मतलब होता है डिजीज और निदान का मतलब होता है काउज। तो रोग निदान ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रोगों के बारे में बाय द मीन्स ऑफ निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, जिसको हम लोग निदान पंचक भी बोलते हैं। इसमें हम लोग व्याधि के बारे में पढ़ते हैं, उसके सिम्टम्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें रोग निदान में पढ़ते हैं। अब आप इसको मॉडर्न से जब कंपेयर करोगे तो इसमें पैथोलॉजी भी पढ़ना होता है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि अगर कोई भी बॉडी में डिजीज हो गया कोई भी एक पार्ट में, तो उसके स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, उसका फंक्शन क्या हो जाता है बॉडी का कोई भी डिजीज होने के बाद। तो आप इसमें बोलोगे कि यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच कहाँ हुआ, तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें पेशेंट और फिजिशियन का फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है। तो आप पेशेंट के पास जाके जब आपका इंटरेक्शन होता है वहां पे देख सकते हो पेशेंट को कि उसको कौन सी डिजीज है, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से उसको आप एग्जामिन कर सकते हो। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब हम लोग चौथा देखेंगे चरक संहिता। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक ही पेपर होता है एंड वो 100 मार्क्स के होते हैं। सो सेकेंड ईयर में हमें पूर्वार्ध पढ़ना है। तो पूर्वार्ध में 5 स्थान आते हैं। वैसे बेसिकली चरक संहिता में टोटल 8 स्थान होते हैं जिसमें से कि 5 स्थान हमें सेकेंड ईयर में पढ़ना है। वो कौन कौन से, सूत्र स्थान, इंद्रिय स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान और शरीर स्थान हमें सेकेंड ईयर में पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि सूत्र स्थान में क्या, इंद्रिय स्थान में क्या, निदान स्थान में क्या है, तो उसके लिए रिस्पेक्टिव मैं आगे वीडियो बनाने वाली हूँ कि चरक संहिता में कितने स्थान होते हैं एंड हर स्थान में क्या क्या पढ़ना होता है। सो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया कि बीएमए सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, वो आप कैसे पढ़ सकते हो एंड उसके अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, मैंने इतना कुछ आपको बताया। आई होप कि आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करो एंड और भी स्टूडेंट्स को पहुंचाओ ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।